If you need success, you need to grill yourself equally as men do. वो भी धूप पे जाते हैं, सनस्क्रीन लगाते नहीं लगाते, they don't care. सनस्क्रीन लगाओ, निकलो धूप में. Marketing people, I think so, you will understand that. You might have faced this in your organization. Women should not make excuses then. Also, I'm not saying I'm ignoring the part that you're a mother or a wife. Of course, you need to have a care like this. खाना तो बनाना है, right? तो थोड़ा बदलाव आप लाइए, थोड़ा सा चेंज हम लाएंगे, चीजें भी. That's really nice. So how do you celebrate this day? I mean, do you wish your mother, your sister? And... My thoda is a cute. Very nice. Very nice. Good. Anyone else? Certainly there is a need. That's why we say that we are incomplete without men. Our counterpart. That's very right. And it has also been mentioned, why do we celebrate? Because men... मेरा नाम आई एम सुरेंद्र कौर वडैच. पहले तो वुमेंस डे की बहुत मुबारक हो आप सबको. वो सभी के लिए इक्वल होता है, तो वी मतलब आप मेन और फीमेल दोनों के लिए मुबारक है. बहुत क्या कहना चाहेंगे आज के पर्व पर, क्योंकि काफ़ी कोरोना भी आया बीच में, काफ़ी चीज़ें, कई चीज़ें चेंजेस हुई हैं, तो क्या कहेंगे आज के वुमेंस डे का, क्या इसमें स्पेशल है? स्पेशल तो ये है कि जो वुमेन का रोल कोरोना में रहा है, आप वर्ल्ड वाइड देख लीजिए, जहाँ जहाँ वीमेन लीडरशिप थी वहाँ कोरोना बेटर मेंटेन था. सो ये अपने आप में प्रूव करता है कि वीमेन की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं मेल से ज़्यादा है. हालांकि पूरा तो दोनों से मिलके होता है, दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन रहता है सब में. सो वीमेन आर स्ट्रांग, एंड जो मैंने आज यहाँ क्राउड देखा, अवर गर्ल्स आर रियली स्ट्रांग, ऐसी बात नहीं है. तो आप देखें, फ्यूचर में एक दिन आएगा कि हमें इसको मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों के मन में दिल्ली इंटरनेशनल वुमेन इंटरनेशनल डे होगा. वो मैं नहीं कहना चाहती, वो मैं नहीं कहना चाहती बिकॉज मेरे हिसाब से दोनों इक्वल हैं. सो जो चीज़ अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुई थी वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी. इक्वालिटी है वो आती नहीं है ना, वो रहेगी रहेगी. सर रिकॉर्डिंग चल रही है, सर रिकॉर्ड है, सर रिकॉर्ड है, प्लीज. हाँ जी मैम, बिल्कुल आज वुमेन डे पर महिलाएं जो बहुत ज़्यादा मतलब तरक्की कर रही हैं डे बाय डे, इस पर कोई शक नहीं है. लेकिन रीज़न क्या है कि आज भी आपके घर में हो या कोई भी, जो कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है इमरजेंसी, चाहे हॉस्पिटल वगैरह जाना हो, तो वो टाइम था कि जब तक रिश्तेदार के या चाचे के पास अपने बच्चे को छोड़ के चले जाते थे, लेकिन आज पेरेंट्स घबराते हैं क्योंकि सर्कमस्टांसेस कुछ और होते हैं. डे बाय डे जिस तरह की न्यूज़ आती है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? उसका ऐसा है, अपना माइंड सेट हमें चेंज करना, सोसाइटी को एज अ होल चेंज करना. उसमें वुमेन का रोल कम होगा, वुमेन का रोल वहाँ होता है. यस, मेरा बेटा है, मैं उसको कैसे ब्रिंग अप करती हूँ, मैं उसको कैसे ट्रेनिंग देती हूँ, कैसे आइडियाज़ उसमें डालती हूँ, ठीक है. वो संस्कार जो है ना अपने इंडियन उसमें सोसाइटी में, वो बहुत ज़रूरी है. और मेल परसेप्शन चेंज होना ज़रूरी है, ये सब माइंड में है. क्यों नहीं छोड़ पाते वहाँ मेल्स होते हैं, ठीक है ना, छोटा बच्चा या लड़की है उसको नहीं छोड़ पाते, क्यों? वो माइंड जो है वो मेल का चेंज होना ज़रूरी है. वेमेन तो उसको उतना ही रोल प्ले कर पाएंगी अल्टीमेटली. सॉरी टू से, मेजॉरिटी आज भी हमारा चाइल्ड सेक्स रेशो चेंज हो गया है, बढ़ गया है, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की स्कीम्स के बाद भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नन्ही चा बहुत इंस्पिरेशन देती है गवर्नमेंट. मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैंने देखा बहुत स्कीम्स हैं जिसमें सिर्फ उनको इसीलिए दी जाती हैं वो बेनिफिट्स कि वुमेन चाइल्ड को एक्नॉलेज किया जाए उसको. लेकिन वो ओवरऑल मेंटेलिटी तो कहीं ना कहीं सबको इंडिविजुअल लेवल पे अपना करेक्टर चेंज करना पड़ेगा. बहुत सारे केसेस में देखा जाता है, जैसे कोई पुलिस स्टेशन का केस है, किसी बच्चे के साथ कोई रेप हो या कुछ हुआ है, तो उसमें एक महिला जो होती है, लेडीज होती है, उसके बयान वगैरह सारा कुछ दर्ज करती है, लेकिन लास्ट में उसको जो केस को फाइल आगे करता है, प्रोसीव करता है, वहाँ पर जेंट्स का रोल आ जाता है. तो वहाँ तक मतलब उसकी बात तो दब जाती है, उस चीज़ को आप नहीं, वही आप खुद ही अपने आप को काउंटर कर रहे हैं ना, वो क्यों दबे? नहीं, वो दिक्कत आएगा, क्या करना होगा, वो चेंजेस मेल के माइंड में या नहीं चाहिए,
अगर हम एजुकेशन में कोई कमी है नहीं, एजुकेशन में कोई कमी नहीं है, एजुकेशन में कोई कमी नहीं है, मानसिकता ही कमी है, मानसिकता में मैं खुद एक ऐसे उसमें हूँ जॉब में जहाँ मेजॉरिटी ऑफ मेल्स होते हैं हमारी, मैंने यहाँ भी बात की रेड पे ड्यूटी लगती है, मैंने खुद सारी सारी रात की हैं, अकेले भी की हैं, मैंने टीम्स लीड की हैं जहाँ पे सारे मेल मेंबर्स होते थे मेरी टीम में जूनियर, मुझे नहीं, भगवान की दया से आपका अपना कॉन्फिडेंस आपकी अपनी कैपेबिलिटी इसमें बहुत हेल्प करती है। मैम ने अभी अंदर बोला एक लड़की को कि आप अपने आप के लिए खड़े हुई, हाँ आपकी बात सही है, सोसाइटी ओवरऑल यस, मानसिकता मेल को ही बदलनी पड़ेगी। एक माँ अपने छोटे बच्चे को सिर्फ जब वो पालती है कुछ उम्र तक समझा सकती है, उसका असर होता है, वहाँ माँ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अल्टीमेटली आप इंडिपेंडेंटली एक मेल को ही सोचना। जैसे मैं बिल्कुल आओ जी, जैसे मैम ने अभी कहा, मैंने तो शुरुआत इस चीज़ से की थी कि हर दिन ही हमारा दिन है, और जब हम ये कहते हैं कि हर दिन हमारा दिन है, वो हम एक फीमेल और मेल दोनों के संग बनता है, ये हमने एक माइंड में नोशन बना ली है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि इनिशियली कुछ डिस्पैरिटीज़ हो चुकी हैं, रह चुकी हैं, और हम अपनी विमेन को उस लेवल पे लाना चाहते हैं, वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर जो चाहते हैं कि उस लेवल पे आए, पर रियलाइजेशन और चेंज हमें अपने अंदर करना है। एंड मैं उस समाज की वो औरत हूँ जो विश्वास करती है कि अगर मैं बदलूँगी तो मेरे साथ सारे बदलेंगे, तो आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द सिचुएशन। हर दिन हमारे लिए वुमेंस डे है और हमें हर दिन ही सेलिब्रेट करना चाहिए अपने पार्टनर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ जो मेल काउंटर पार्ट्स भी हैं। आपने कहा था कि यार बहुत लकी हम ट्राई सिटी में है, मैम जो ये मानसिकता की बात कैसे आ गई है, तो ये मानसिकता गांव में भी चलती होगी? देखिए जहाँ तक सुरक्षित कितनी है, देखिए जहाँ तक आप ये कहते हैं कि मैंने कहा कि हम लकी हैं हम ट्राई सिटी में हैं, क्योंकि ट्राई सिटी का एक माहौल बदल चुका है, जैसे ही हम धीरे धीरे एजुकेशन को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं तो हम स्ट्रीमलाइन और मेलो हो जाते हैं लाइफ में, हमें ज़िंदगी की हकीकतों को इतनी क्रूरता से नहीं देखना होता, हम उसके लिए सॉफ्टर हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक कि आप गांव की बात करते हैं, क्योंकि अभी वहाँ एजुकेशन हमारी रूट्स तक नहीं पहुँची, सॉरी जो ये बच्चे आज कई यहाँ से गाँव से आए होंगे, हाँ जब भी अपने गाँव जाओगे तो वहाँ पे उनको इनसिक्योरिटी कंपैरेटिवली यहाँ से ज़्यादा होगी। देखिए इनसिक्योर जहाँ आप ये कहते हैं कि उन्हें इनसिक्योरिटी ज़्यादा होगी, तो बदलाव भी तो इन्हीं को लाना है ना, क्योंकि वो अपने घरों से निकलकर पहले यहाँ आए, वही उनके लिए एक एक्सेप्टेड फैक्ट है, एक हिम्मत उन्होंने दिखाई, वो करेज दिखाई, वो आज यहाँ पे आए, आज एजुकेशन का उन्हें पॉजिटिवली एडवांटेज लेना है, और जब वो वापस अपने घरों में जाएं वो उस माहौल को वहाँ पे भी ट्रांसफर करें। मूवमेंट क्यों होती है? मूवमेंट इसीलिए होती है एजुकेशन की तरफ कि हम थोड़ा बेहतर बने, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये ट्रिकल डाउन हो रही है, हमें ट्रिकल डाउन थ्योरी से काम करना पड़ेगा, इसमें ट्रिकल अप नहीं हो सकता, तो जो यहाँ आए हैं उन्हें वापस भी जाना ही है, दे शुड गो बैक एंड दे शुड मेक यूज़ ऑफ देयर एजुकेशन और अपने सिस्टम को और बेहतर बनाएं। मैनू लगता है कि साडा हर एक दिन साडा है, तो सानू विमेन डे मनाने की हुण आने वाले समय के ज़्यादा लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि औरतां बहुत स्ट्रोंग ने, इन्हां नू कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, असी अपनी इनसिक्योरिटी जी है कर सकते हैं। सैकोलॉजी बनी है कि अज अंदर भी गल हुई है कि वूमेन डे हैगा तो जो जेंट्स ने अच्छे रिस्पैक्ट कर रहे हैं, तो कल क्या वो चीज़ दोबारा ये चाहिए कि हर दिन ही वूमेन डे जेंट्स वास्ते होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए कि हर दिन वूमेन डे रिस्पैक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बट मैं कुछ सोचती हूँ कि ये औरत का भी हथ है कि किस तरह रिस्पैक्ट लेनी है, हर एक औरत दे लई हर एक मर्द दे लई अलग अलग विचार होंगे ने, हमेशा मर्द भी कसूरवार नहीं होंगे, ये मनना पैगा जी, औरत दे अपने हाथ च होंगे रिस्पैक्ट लेनी, बहुत हद तक। मेरा नाम लोकेश वर्मा, CGM दैनिक सवेरा टाइम्स। तो जैसे अंदर बताया इन्होंने कि भी लेडीज़ के अगर बॉस हो तो कैसा रहेगा, तो हमारे जो लेडी अपना है मैडम नेहा विज है हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर CEO है, और उन्हीं को हमारी रिपोर्टिंग वगैरह होती है, तो आज इन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कॉलेज वालों ने मुझे बुलाया यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा लगा। इसमें तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पर? मैसेज तो यही है कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन सशक्तिकरण है, तो इसमें सभी लड़कियों को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, तो उसी के लिए हमने ये इवेंट बनाया है। बेसिकली जैसा कि इन्होंने बोला, कहीं में कॉन्फिडेंस की कमी होती है कई लड़कियों में, या कुछ उसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वी आर नॉट हेयर फॉर प्रॉब्लम्स,
वी आर हेयर फॉर सॉल्यूशंस, यही हमने मैसेज देने की कोशिश की है। सर कई जगह पे ना अभी भी मैं कोई स्टेट का नाम नहीं लूँगा, पर कई मानसिकता भी है कि बेटी को मारने के लिए, जब बेटी होती है बेटी का अब चेक करवाते हैं तो उसको मारने के लिए चलते हैं, या बेटी होगी तो उसको मारते हैं, वो मानसिकता को चेंज करने के लिए क्या सर स्टेप्स करने चाहिए आपके हिसाब से? वो जैसे अभी जितने भी हमारे अपना यहाँ पे जो बेटियाँ हमारी IAS ऑफिसर PCS ऑफिसर जितने भी हैं उसमें जैसे थे, ये हमने आज जो प्रोग्राम किया है इन्होंने चंडीगढ़ कॉलेज वालों ने, तो इसी में इसी तरह के प्रोग्राम को उत्साह देने के लिए है कि भाई ये बेटियों के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। आज की डेट में बेटियों को स्पेशल कहीं हरियाणा सरकार ने तो क्या किया है कि हरियाणा सरकार ने कुछ जैसे आपके घर में बेटी होगी तो कुछ पैसा देंगे, ठीक है ना, और अपना स्कीम वगैरह मिलेगी, अपना मंथ की जैसे मोदी जी की योजना है कि अपना 10 साल के लिए कुछ योजना बनेगी, तो इसलिए बेटी जी को उस प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उसमें एजुकेट करने की बेसिकली ज़्यादा जरूरत है बंदूक जैसे जैसे जो जो एजुकेट कहते हैं कि मानसिकता एजुकेशन से दूर हो सकती है, मैं एजुकेशन जरूर होती है, अवेयरनेस एंड एजुकेशन से दोनों से। सर क्या मैसेज दोगे हमारे दर्शकों को आज के दिन में कि किस तरीके से वुमेन डे को सेलिब्रेट किया जाए, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वुमेन डे को आज के दिन कैसे सेलिब्रेट किया जाए? आज के दिन में ये है कि जितने भी घर में, सबसे पहले तो अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, घर में जो आपकी वाइफ है मदर है सबको रिस्पेक्टफुली से अगर होश के दो, जो भी आप दे सकते हो गिफ्ट दो, अच्छे से बात करो, अगर कुछ ना हो तो कम से कम एक फूली दो, ठीक है ना, जिससे उनको अपना उनको महसूस हो कि आज वुमेंस डे है, उस इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो इम्पोर्टेंट मेजर है, जैसे हम अपने घर से शुरुआत करेंगे बाहर अपने आप हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।